हेलो फ्रेंड, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गम है किसी के प्यार में। आज सई का केयर और सई का प्यार विराट को समझ आता है, लेकिन विराट और सई के बीच में गुस्सा होने वाला है और इसका नतीजा क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर सई गुस्से में कुछ ऐसा कर रही होती, कमरे में जोर जोर से चिल्लाकर पड़ रही होती है, कभी अपना सामान उठा रही होती है, लेकिन विराट उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा और अपनी बुक पढ़ने में बिजी दिखा रहा है और इग्नोर कर रहा होता है। तो सई उसे साफ साफ पूछ लेती है कि आपको बस यही कैफे मिला था हमारे, और वहां पर विराट कहता है कि क्यों तो वो कोई फिर क्या तुमने खरीदा क्या। तो दूसरी तरफ पत्रलेखा भी सम्राट से बात करने की कोशिश करती है। सम्राट अपना सामान लेने के लिए आता है और वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो सम्राट कहता है क्यों, किस बारे में बात करनी है तुम्हें, और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम रुक जाओगे। तो कि क्यों रुक जाऊँ मैं, तुम क्या मेरे ऊपर दया कर रही हो, मेरे ऊपर मुझे कोई प्यार की भीख दे रहे हो। और उसके बाद सम्राट भी गुस्सा नजर आता है और पत्रलेखा उसका हाथ थाम रही होती है, तो पत्रलेखा उससे हाथ भी छुड़ा लेता है। तो दूसरी तरफ विराट का गुस्सा भी सही पर साफ नजर आ रहा है और विराट कहता है कि तुम्हें फ़र्क क्या पड़ता है, मैं किसी और के साथ जाऊँ किसी के भी साथ जाऊँ और दोनों का एक हाथ पकड़ लेना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दोनों में दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। और सई कहती है कि अच्छा, तो मैं तो इसलिए गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि सम्राट अदा को और सई को खुद को भी ये एहसास हो रहा था कि क्यों उसे फ़र्क पड़ रहा होता है, और उसके सिवाने की बात भी याद आती है। लेकिन सब विराट कहता है बताओ क्यों फ़र्क पड़ रहा है, और सई उसे बताती तो क्या है, वो तो कह देती है कि हमें तो मुझे तो सम्राट अदा के लिए बुरा लग रहा है कि पत्रलेखा दीदी और आप दोनों ही उनको धोखा दे रहे हो, देता है और वो साफ क्लियर कर देता है कि मैंने सबके सामने सब कुछ सच बता दिया है और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ तुम्हें, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मुझे क्या हो जाए। और वो फिर उस दवाई को लेकर उस पर गुस्सा होती है कि मुझे तो लग रहा था तुम्हें आप दोनों आपको पूरे दिन रेस्ट करना चाहिए था, फिर आप वहाँ क्यों गए, दवाई खाई कि नहीं, और ज़बरदस्ती दवाई खिला रही होती है और उस खाना खिला रही होती है। तो उस बोलता है कि अच्छा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मर जाऊँ क्या कुछ भी करूँ, एटलीस्ट मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें ये तो पता चलेगा कि मुझे फ़र्क तो मुझे पता तो चलेगा कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो, या फिर तुम्हारा ये जो मैं बीमार होता हूँ तभी तुम्हारा ये सारी केयर नज़र आती है। और उसके बाद ना सही उसका मुँह बंद कर देती और उसको चुप करवाती है कि ऐसी बात बिल्कुल मत करना, और सई को फर्क पड़ रहा होता है और उसको विराट को समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन सई को सब पूरा अच्छे से पता चल रहा होता है कि उसको कितना फर्क पड़ता है विराट के पर तकलीफ में होने से। तो दूसरी तरफ पत्रलेखा विराट की ही बातों को याद करके कि उसने घरवालों के सामने साफ कह दिया कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो सम्राट के सामने अपने रिश्ते को नई शुरुआत करने की बात कहती है। और आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलने वाला है कि पत्रलेखा विराट को जलाने के लिए सबके सामने अनाउंस कर देती है और सम्राट भी इसकी हाँ में हाँ भर देता है कि हाँ हम इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं और पूजा रखना चाहते हैं। तो विराट अपने ट्रांसफर की बात करेगा जिस बात से, और उसको ये भी तगड़ा झटका लगने वाला है कि पत्रलेखा ने एक दिन में इतना अपना फैसला कैसे बदल लिया। तो दूसरी तरफ सई को भी एहसास हो रहा होता है कि विराट को शायद फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसे लग रहा होता है कि वो सम्राट को पत्रलेखा धोखा दे रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका सही पर क्या होता है और कैसे सही अपने दिल की बात विराट से कहती है।